रामायण के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा किस तरीके से कि कई के कहने पे महाराज दशरथ श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण जी को वनवास पे भेज देते हैं। उसके बाद कैसे वो रावण सीता जी का हरण कर लेता है और उसके बाद युद्ध होता है। उसके बाद युद्ध के बाद माँ सीता जी आ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कैसे श्री राम लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न सुग्रीव इन सब का अंत होता है। आइए आज ये जानते हैं। सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल मेरे जज्बात में। मेरे जज्बात में आज बात करेंगे उस टॉपिक पे कि रामायण के बाद क्या हुआ, रामायण के बाद की बात। एक दिन प्रभु श्री राम के पास स्वयं काल मिलने के लिए आया कि और कितने दिन शेष बाकी है इस पृथ्वी पर उनका। इस दौरान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को द्वार पर रख कर ये कह दिया कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। और काल जी ने प्रभु श्री राम से ये वचन ले लिया कि जो भी उन दोनों के वार्तालाप के दौरान अंदर आएगा उसे मृत्यु का दंड दे दिया जाएगा। वहाँ पे एक ऋषि मुनि आते हैं और वो लक्ष्मण जी से अनुरोध करते हैं कि उन्हें राम जी से मिलने दिया जाए, परंतु जैसा राम जी का आदेश रहता है कि जब तक वो वार्तालाप खत्म ना हो किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। इस कथन पे वो ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि उन्हें बस थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है क्योंकि प्रभु श्री राम अभी वार्तालाप में व्यस्त है। इस बात पे ऋषि मुनि क्रोधित होकर कहते हैं कि मैं पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा। इस डर से लक्ष्मण जी विचार में पड़ जाते और कहते हैं कि क्यों ना केवल मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, और वो उस कक्ष के अंदर चले जाते हैं। जैसा कि प्रभु श्री राम ने उस काल देवता को वचन दिया था कि जो भी उन दोनों के मध्य बीच आएगा उन्हें उसे मृत्यु का दंड दे दिया जाएगा, परंतु इतने में वो ऋषि मुनि अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि एक योग पुरुष का त्याग ही मृत्युदंड के समान है। इस कथन पे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी का त्याग कर देते हैं। उनकी ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी मन विभोर हो जाते हैं और वह रोते रोते अपने कक्ष की ओर जाते हैं, परंतु वो कक्ष की ओर ना जाकर सीधे नदी की ओर जाते हैं और जल समाधि ले लेते हैं। यह बातें सुनकर प्रभु श्री राम पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु भर जाती है और वह सोच लेते हैं कि अब वो भी जल समाधि ले लेंगे और इस भूलोक को छोड़ अपने परम लोक में चले जाएंगे। इस बात पर पूरे अयोध्या में हाहाकार हो जाता है और उनके साथ उनके भाई भरत और शत्रुघ्न भी यह तय कर लेते हैं कि वो भी उनके साथ जल समाधि ले लेंगे। जैसा कि अयोध्या आने के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को वर दिया था कि वह चिरंजीवी रहेंगे, इसलिए वह भूलोक पर रह जाते हैं और उनके साथ सुग्रीव जामपन अंगद ये सब लोग जल समाधि ले लेते हैं। तो ये कहानी थी रामायण के बाद की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।